तो कैसे हैं आप लोग? साढ़े तीन दिन होगी आज आपको, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में क्या क्या आपको देखना है आज, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी नहीं देखनी, ठीक है? इसके पीछे रीजन ये कि ज़्यादा फोकस में जो रहने वाला है ना वो सपोर्टिंग पे, बट एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। हो क्या रहा है ना, क्वेश्चन अभी 9th का ही पेपर जो गया है और अभी जो पेपर आ रहे हैं मिडिल टर्म में, पेपर बड़े टफ टफ दे दिए, ठीक है? और पेपर बड़े आसान आ रहे हैं, बहुत ईजी पेपर आ गया 9th का पेपर। हम मैंने सपोर्टिंग करा था, पेपर भी को बुक से, सब कुछ बुक से आ गया, तो हम ना सबको इक्वली लेके चलेंगे, ठीक है? इसलिए तो जो मैंने कुछ क्वेश्चन अभी मैंने 1 से लेकर 10 तक चैप्टर के लिखे क्वेश्चन, 5 चैप्टर रह गए, बोर्ड भर गया इसलिए नहीं लिख पाया मैं। इसमें क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें कौन से क्वेश्चन करने, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और दूसरी बात ध्यान रखना कि सारे एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल्स है वो एग्जांपल मिस मत करना, सारे एग्जांपल्स करने हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे क्या करते हैं एग्जांपल छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि एग्जांपल से कुछ नहीं आ रहा, बस एक्सरसाइज करके चलाते हैं, लेकिन गलती करते हैं, एग्जांपल में से बहुत पेपर आता है, एग्जांपल जरूर करना है, ठीक है? चलो मैं बता दूं, अब जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते, क्या क्या तुम्हें करना है एक बार देख लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना घर पे जाकर, बाद में इसमें देख लेना क्या चीज़ है, अभी बस समझ लो, ठीक है? फिर 5 चैप्टर जल्दी जल्दी कर लेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले ना रियल नंबर वाले जब चैप्टर है उसमें आपको करना है इरेशनल क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, आधी चीज़ आपको पता है आधी चीज़ नहीं पता, वो भी आपके हो जाए क्लियर, ठीक है? इरेशनल नंबर करना है एनसीईआरटी से, ठीक है? एनसीईआरटी से करना है, ठीक है? ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी, ठीक है, बुक से करना है बस ये, आज और आज ही ख़त्म करना है ये, यह आपको 7:30 तक ख़त्म कर लेना है, ठीक है? देख लो, अभी मत सोचो कि पेपर आप देखे हैं थके हुए हैं, जो 2-4 दिन की मेहनत बची है ना उसके बाद तो आज़ादी है, तो 3 दिन और लग के मेहनत कर लो, मैथ के पेपर अच्छा निकल जाएगा तो फिर सही है, बाकी तो चले गए आपके जैसे तैसे, मैथ का रह गया लास्ट आपको और खूटा गाड़ना है, तो मेहनत कर लो लास्ट पेपर के लिए 3 दिन, ठीक है? बिल्कुल 100% दे लो, फिर पता नहीं फिर कहाँ फिर बोर्ड ओढ़ के, फिर तो नाम ही बोलोगे हमने बोर्ड दिया था, क्या पता तुम्हारा है, तुम्हारा से ही बोर्ड ख़त्म हो इसके बाद बोर्ड ही ना हो 10th का, कुछ भी हो सकता है, तो तुम ही लास्ट बोर्ड देने वाले बचोगे, ठीक है? आखिरी सिपाही। तो देखो क्या करना है, पहले शुरू से करते हैं, रियल नंबर में आपको प्रूफ इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन करना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन, ठीक है? 2 क्वेश्चन कर लेना आप प्रैक्टिस के तौर पर, आपने जैसे सिंपल के लिए रूट टू जैसे समथिंग, रूट टू, रूट फाइव, रूट थ्री, और एक आपने कर लिया आपका प्लस टाइप में कि रूट टू प्लस थ्री वाले, या 1/2 में रूट टू प्लस रूट फाइव, इस तरह के जो होते हैं ना वाले कर लिए, ठीक है? 2 क्वेश्चन कर लिए इनफ, ठीक है? पॉलीनोमियल्स में क्या करना है, जो पॉलीनोमियल्स में आपको फाइंड द जीरोज वाले क्वेश्चन करने, ठीक है? जीरोज फाइंड करने वाले करने बुक्स एनसीईआरटी से, और उसको वेरीफाई करने आए रिलेशन बिटवीन जीरोज, ठीक है? आया हुआ है क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, रिलेशन पहले जीरोज निकालने, पता है ना आपको, जैसे आपको दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x + 2, ये आपको एक दे रखी है पॉलीनोमियल, और उसको पहले जीरोज फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका फिर रिलेशन भी चेक करना है इसके कोफिशिएंट थे वो करना। थर्ड चैप्टर के अंदर क्या करना है, थर्ड चैप्टर के अंदर आपको निकालना है के की वैल्यू और ए बी की वैल्यू कब। अब बोलोगे थर्ड चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, है जब आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी, कैसी, नो सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटी नंबर सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, याद है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन था, a1/b1, a2/b2, और उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ कि तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, a1/a2, b1/b2, c1/c2 था ना, ऐसे इक्वेशंस थे ऐसे यूनिक सोल्यूशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है? और नो सोल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ए बी की वैल्यू और के की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? ग्राफिकली वाले क्वेश्चन करने, और इसके बाद फाइंड द एक्स एंड वाई वाले क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन करने। अब आप इसके अंदर सवाल आएगा कि आपने तो वर्ड प्रॉब्लम बताया नहीं, वो तो करना ही है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे ही, सारे वर्ड्स के प्रॉब्लम में, मैं उसको स्पेशली उसका एक वीडियो बना के बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन उसमें करने हैं, ठीक है? मैं क्लास में इसलिए नहीं तुम्हें बता रहा ना कि टाइम खराब होगा, हम पर नहीं है, उसकी छोटी छोटी सी वीडियो बना के बस देख लेना कि इसमें कौन कौन से हमें क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट, वो बताऊंगा, टाइम खराब है, हम 1-2 घंटे में जितने ज़्यादा डाउट ले सकते हैं करेंगे क्लास के अंदर, जितने डाउट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम डाउट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, वो तो मैं
मैंने तुम्हें बुलाया भी था मुझे, इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं अलग से वीडियो बना के डालता है ताकि तुम्हारा वेस्ट ना हो। तुम बस घर पे देख के आओ, हाँ ये क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुम बस मेरे पास आओ डाउट पूछो बस, यही तो करना है मैथ में, सुनना थोड़ी ना, लेक्चर थोड़ी ना, आपको बस जितने डाउट हो सके, तो तुम्हें बस डाउट ही बताऊंगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, समय कुछ नहीं होगा, बस डाउट। इसलिए लाइव क्लास में आके तुम्हारे वो मैं कराऊंगा, जो मुझे एक्स्ट्रा अपने तरफ से करना है वो रात में घर में बैठ के देखना, या तो मैं देखना है देखो, नहीं देखना तो अपना करो, पर देखोगे तो ज़्यादा फायदा भी लगेगा, डाउट भी हो सकता है, तुम कर सकते हो, इसलिए करोगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं, एक डेढ़ घंटे जैसे समझ लो क्लास वाइज, ये नहीं हम चार चार पाँच घंटे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, चैप्टर फोर में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आके आपको देखना है रूट्स के क्वेश्चन फाइंड करने। अगर आपको रूट्स गिवन हो, यानी आपको रूट्स इक्वल दे रखा है या रूट डज एग्जिस्ट दे रखे हैं, है ना, डी इक्वल टू जीरो, इसके ऊपर रूट्स आर इक्वल, इसमें वैल्यू निकालने को आता है, रूट्स फाइंड करने को आता है, के की वैल्यू निकालने के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें आप सपोर्टिंग में जाएंगे तो इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन भी, उसमें भी बोला रूट्स आर इक्वल, तो वो भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये जो टॉपिक है अभी एनसीईआरटी में बस सिंपल रहेगा, फाइंड द रूट्स और रूट्स आर इक्वल, ठीक है, 4.4 एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे ये जो क्वेश्चन बताया मैंने, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ये के वाला, ये आपको 3.5 वाले एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 में जब आएंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग क्वेश्चन कौन से आप नहीं छोड़ोगे, जो आपको करना इंपॉर्टेंट है। देखो फाइंड द टर्म निकालना, और टर्म में भी बहुत सारे टर्म निकालने के होते हैं, जैसे लास्ट टर्म निकालनी हो सकती है, मिडिल टर्म आ सकती है, और नेगेटिव टर्म, ये सारे टर्म में से क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा, ठीक है। पी वाई क्यू उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हमेशा एक क्वेश्चन टर्म के ऊपर पूछा हुआ है, कभी लास्ट टर्म पूछ लिया, ठीक है, कभी मिडिल टर्म पूछा हुआ, कभी नेगेटिव टर्म पूछा। और जैसे सपोर्टिंग में चैप्टर 5 क्या होगा, उसको मिले भी होंगे, मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन मिले होंगे, लास्ट टर्म वाले तो बुक में भी हैं, और नेगेटिव वाले मिलेंगे, क्वेश्चन हैं जरूर, तो एक क्वेश्चन में से बनता ही बनता है। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिख के दिए, ये सब एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन देखा, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, विल बी द मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब मैं यहाँ पे कौन सी टर्म है वो निकालना है। ये नॉर्मल टर्म वाला क्वेश्चन, नॉर्मल टर्म जो मैंने बोला फाइंड द टर्म, नॉर्मल टर्म का है। एक क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द 28th फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से निकालना है आपको 20 टर्म, तो ये लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन लिया मैंने नेगेटिव वाला, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे मिडिल टर्म वाला भी क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है पर है ये सपोर्टिंग में है ये, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स के हैं, ये मिस मत करना, ठीक है। इसके अलावा जो रह गया है, रह क्या गया है वो भी कवर कर लेंगे, सपोर्टिंग से ही कर लेंगे। जैसे इसमें इन दोनों 4th और 3rd चैप्टर में वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं करें, क्योंकि वो अलग से करेंगे, उसके हमें 4-5 क्वेश्चन करने हैं, वो बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल आज तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं। आओ 6th चैप्टर पे आओ, 6th चैप्टर पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले बीपीटी थ्योरम करनी है, ये थ्योरम जरूर करनी है, बीपीटी थ्योरम करनी है। उसके बाद प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ डेट क्वेश्चन थ्रू द सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन। जैसे आपको दो ट्राइंगल दे रखा है, सिमिलर ट्राइंगल पहले प्रूफ करो उसको, फिर उसके क्या है साइड, उसके अपॉन में अपॉन लेके साइड लेके आप उसको क्लियर करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। अभी एनसीईआरटी से आपको देख लेना, ये मिलेगा आपको 6.23 वाले, 6.3 में वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और रिपीटेड सॉल्व करना है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे क्या होते हैं। फिलहाल आप रिपीट थ्योरम आज करोगे। चैप्टर 7 में आ जाओ, चैप्टर 7 में क्वेश्चन आएगा आपका इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। इक्वी डिस्टेंस में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हो जाता है अभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया कि भाई एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन बताओ, अगर एक्स वाला पॉइंट इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस है, इसी में क्वेश्चन बनेगा। 7.1 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है तो एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है, या उसके कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो जहां पे इक्वी डिस्टेंस लिखा है वो वाले क्वेश्चन कर लेना, इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आएगा फाइंड द रेशियोज, रेशियोज निकालने वाले क्वेश्चन, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमारा है विभाजन सूत्र, जिसके अंदर रेशियो मानते हैं हम लोग, केस टू वन मान के हम करते हैं, ठीक है। इसी में एज ऑफ रोम्बस वाला क्वेश्चन, एज ऑफ रोम्बस निकालना होगा आपको, पूरे उसके वर्टेसेस गिवन होंगे ट्राइंगल के, चारों आपको पॉइंट दे रखे होंगे वर्टेसेस, और इसका एरिया निकालना होगा, ठीक है, यह आपको करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सिंपल कर दूं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, इफ ट्राइंगल गिवन, ठीक है, इट्स साइड्स गिवन, देन फाइंड द वैल्यू। कुछ समझ नहीं आया, इसलिए इसका एग्जाम्पल बनाया मैंने,
अगर तुम्हें एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी साइड्स गिवन है, तो तुम क्या जो भी तुम्हें रेशियोज फाइंड करने वो करना है। दो से चार क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने बनाया कैसे, मान लो ट्रायंगल एबीसी गिवन है और तुम्हें टेन ए वन अपॉन रूट थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, टेन ए का वन, इसकी वैल्यू साइड्स कैसे मालूम पड़ेगी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है याद है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा वाला याद है, और टी होता आपका पी अपॉन बी, तो ये पी अपॉन बी दे रखा आपको, ये नहीं आपको दे रखा परपेंडिकुलर, आपको दे रखा है बेस, उसके थ्रू फिर आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्री की वो निकाल लेना है, ठीक है। तो इसके दो चार क्वेश्चंस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे तो क्या होगा, तो एग्जाम्पल के साथ साथ प्रैक्टिस रहेगी, इनको करते करते और तुमने एक्सरसाइज तो कर ही रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, चाहे कम रिटर्न प्रैक्टिस करो, पर सारी को आज देख लो, टाइम आपके पास नहीं बचा, ये मत सोचो कल से करेंगे पर सुबह से करेंगे, नहीं, जितना तुम्हारे पास टाइम मिला कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा तुम्हारे लिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, अब अगला देखो क्या बनता था, फाइंड द वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगर 0 टू 9 के बीच में टेबल होती है ना, वो टेबल की ट्रिक बता दूंगा मैं कैसे जिससे बनाते हैं, वैसे याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो 0 टू 9 90 के बीच में अगर आपको वैल्यू दे रखी है, तो वह कुछ एग्जाम्पल नहीं, जैसे कॉस 45 कॉस 35 इसकी वैल्यू रखो, और सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्कस करें तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, कोई बाहर से नहीं है, तो इसको रख के सॉल्व कर लो। और एक तरीका ऐसा होता है कि साइन ए माइनस बी 1/2 दे रखा है, तो 1/2 जो हो साइन पर कितने डिग्री पर होता है, फिर वहाँ से साइन साइन कैंसिल करके फिर इक्वेशन बनाएगा, तो दो तरह के क्वेश्चन है जो कि डिग्री वाले क्वेश्चन है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने दे दिए, हाँ वो साइन 45 पर देख लेना, ठीक है। अब आता चैप्टर 9, अब सवाल है चैप्टर 9 में क्या करें, चैप्टर 9 में तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही, सब एक टाइप के क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने क्या करा है कि चैप्टर 5 में तुम एनी 5 to 8 क्वेश्चन करोगे, और यही क्वेश्चन करना है तुम्हारी एनसीईआरटी की पूरी प्रैक्टिस, इस चैप्टर की प्रैक्टिस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सपोर्टिंग से ना कहीं से, अगर तुमने ये क्वेश्चन अपने आप ईमानदारी से कर लिए तो, एग्जाम्पल 4 और 6 करना, और क्वेश्चन में 6, 9, 12, 13, 14, 16 यानी 8 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन ही है, 8 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बस आपका 9 चैप्टर क्लियर। 9 चैप्टर में आपको कैसा भी क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर यह 6 क्वेश्चन आपने ईमानदारी से कर लिए, ना किसी की चेटिंग ना किसी की हेल्प से, तो नहीं तो फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। चैप्टर 10 में क्या करना है, सबसे पहले आपको 10.2 थ्योरम करनी है प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12, 13 ये 4 क्वेश्चन कर लेना, तो चैप्टर 10 का भी आपका रिविजन खत्म, ठीक है।